हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। देख लीजिए, मैंने पालक को ले लिया है और अच्छे से बिचार लिया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो रहता है जिसे कहते हैं घास। और इसको मैंने धो लिया है, कढ़ाई गैस के फ्लेम पर रख दिया है। और इसमें मैं अब पालक में डाल दूँगी सारा पालक, निचोड़ निचोड़ के। थोड़ा भगोने में लगा रह गया तो हम मैं सारा पालक ले लूँगी और नीचे का पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पालक में वैसे भी पानी निकलता है। अब मैंने भगोनी को रख दिया। अब मुझे इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा नमक डाल दूंगी, जिससे ही पानी जितना होगा ये छोड़ देगा। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, नमक थोड़ा ही डाला है। ये देख सकते हैं, एक इसमें मैंने तड़के के लिए प्याज और तेज़पत्ता, दालचीनी, अदरक को मैंने भी लिया था। और वही कढ़ाई को मैंने पालक निकाल दिया है, तो उसी में मैं इसको थोड़ा लाल होने तक भूनूंगी। देख सकते हैं मेरा तड़का लग गया है, थोड़ा अभी निकलिए, अभी सफ़ेद भी थोड़ा इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, तब तक मैं भूनूंगी। ये देख लीजिए, ये लाल लाल नीचे होने लगा, ये भून चुका है। और ये मसाला जो मैंने डाला है, ये लहसुन, मिर्चा, अदरक और ये हल्दी, धनिया, मिर्चे का पेस्ट है जो मैंने इसमें मैंने मिक्सी में पीसा था, और इसमें मैंने डाला है। इसमें गरम मसाला भी मैं खुद ही पीसती हूँ घर पे, तो इसमें भी एक इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये पालक को भी मैंने पीस लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं, पहले मसाले में पालक भून लूँगी, क्योंकि पालक अगर ऊपर से डालूँ जब पनीर डालने के बाद तो ये स्मेल जैसे पालक जैसा आता है, लेकिन मसाले में भून लूँगी तो इसमें कच्चाईपन जो होता है वो नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। देख सकते हैं, और दूसरी कढ़ाई में मैंने पहले से ही वो पनीर को फ्राई करने के लिए रख दिया था। जी, इस तरह मैंने पुलाव बनाया, इसकी सीटी दे रही है, धीमा कर दिया फ्लेम, इसको थोड़ा बंद कर दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छे से भून जाए। ये पनीर है जो मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए मतलब रख दिया था, इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का ही फ्राई करूंगी। देख सकते हैं, अब इसमें देखिए ये अच्छे से भून चुका है, तेल देखिए ऊपर आ गया। अब इसमें मैं ये पूरा पनीर और ये इसमें जो है ग्रेवी ये डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं चला दूंगी। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है ये। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा रसा वाला पसंद है, वो गाढ़ा ग्रेवी नहीं खाते हैं, तो इसमें थोड़ा मैं रसा लगाऊंगी। यही मिक्सर में थोड़ा पालक था, थोड़ा पानी डाल दिया है और इसी को डालूंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, हल्का ही रसा लगाऊंगी, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको पुलाव और परेठा या दुहत्ती जो होता नहीं है उसके साथ भी इसको आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ये रेसिपी आप सबको बहुत इजी है और इसे कोई भी बना सकता है। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने पहले ही डाला था, तो इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डाला है, थोड़ा ही नमक डाला है मैंने।